गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6 चैप्टर 3 और एक्सरसाइज 3.6 जो आज आपकी स्टार्ट हो रही है वो आपको समझा रहा हूँ। 3.5 एक्सरसाइज आपको पहले पिछले वीडियो में आपको बता दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 1, 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ए। अब ए में है आपका कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो 18 और 48, इसका एचसीएफ निकालना है। फाइंड द एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो पहले आपका 18 है तो 18 के हम निकालेंगे। 29 जा 18, 33 जा 9, 31 जा 3। इसी तरह आप निकालेंगे 48 के। 22 जा 4, 24 जा 8, 21 जा 2, 22 जा 4, 26 जा 12, 23 जा 6, 31 जा 3। तो अगर हम इसके एचसीएफ निकालने हैं तो पहले इनके फैक्टर कर लेंगे। तो 18 के, तो 18 के प्राइम फैक्टर आपके हो जाएंगे 2 × 3 × 3, और 48 के 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो जब इसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं तब इसके हम आगे करेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ, तो एचसीएफ अगर हम निकालते हैं तो पहले हम निकालेंगे एचसीएफ यानी कि कॉमन फैक्टर्स। तो इसका कॉमन फैक्टर आपका आ गया 2, इसके बाद 3, इसके बाद कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। तब हम लिखेंगे देयर फोर, क्लियर है, देयर फोर द एच सी एफ ऑफ 1848 इज 6। क्लियर है, ये आपका एच सी एफ क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। पहले 18 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, फिर 48 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर दोनों के प्राइम फैक्टर लिखेंगे, इनके कॉमन फैक्टर निकाल के एच सी एफ निकल जाएगा। उसके बाद इसका आंसर जो भी आपका निकल के आएगा 2, 3 जा 6। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर बी पार्ट करना सेम ही है। अब इसका बी पार्ट जो है इसी तरह से करना है। अब बी पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है 30 और 42। तो हम पहले 30 के फैक्टर निकाल लेंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। ऐसे 42 के निकाल लेंगे। 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 1, 3 × 7 = 21, 7 × 1 = 7। तो 30 के पहले हम निकालेंगे 2 × 3 × 5, इसके बाद 42 के 2 × 3 × 7। क्लियर है, तो इसका एच सी एफ कर देंगे यानी कि कॉमन फैक्टर से। तो पहले आपका आ गया 2, इसके बाद आ गया आपका 3 इक्वल टू 6, इसका 6 से आपका। तो देयर फोर एच सी एफ ऑफ क्या है आपका, एच सी एफ ऑफ 30 and 42 इज 6। क्लियर है, इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब है क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से वीडियो देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सब क्वेश्चन को आसानी से करने में आ जाएगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन देखना आपको ध्यान से है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर टू का ए पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर जो टू है वो है आपका व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर। अब इसका जो पार्ट है ये पार्ट वन लिखा हुआ है, लेकिन ये पार्ट आपका आगे बढ़ता जा रहा है तो ये पार्ट आपका 16 है। क्लियर है? व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द टू कंसेक्यूटिव नंबर। अब इनके एचसीएफ निकालने हैं, लेकिन टू कंसेक्यूटिव नंबर अगर खाली संख्या है ए, तो ए पार्ट में नंबर्स। क्लियर है? तो इस नंबर का एचसीएफ क्या होगा? टू कंसेक्यूटिव नंबर का। तो जब आप इसे करेंगे तो ए पार्ट द एचसीएफ ऑफ द एचसीएफ ऑफ टू कॉन सेक्यूटिव नंबर्स इज वन। अगर हम नंबर्स ले, कोई से भी कोई नंबर ले लेते हैं, तो द एचसीएफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज वन। अब किस तरह करेंगे? एग्जाम्पल अगर हम करते हैं इसको, तो द एचसीएफ ऑफ द एचसीएफ ऑफ टू एंड थ्री, हमने नंबर ले लिया टू एंड थ्री, ये कंसेक्यूटिव नंबर है, यानी टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन जो कंटिन्यू है, तो टू लिया टू एंड थ्री, तो इसका जो कंसेक्यूटिव नंबर है वन। क्लियर है? अगर टू का करते हैं तो टू में कोई टेबल नहीं है, थ्री का कोई टेबल नहीं है, जिसके कोई टेबल नंबर नहीं आते हैं तो वो आपका वन होता है। तो यही आपका एक पार्ट का आंसर है। ऐसे ही आपका बी पार्ट है। अब बी पार्ट में कह रहा है इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। ठीक है, अगर हम टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर लेते हैं तब उसका एचसीएफ क्या होगा? तो द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज टू। कोई भी ले सकते हैं। तो इवन नंबर कौन से होते हैं? जिसके टू से ज्यादा फैक्टर हो, या जो टू के टेबल से कट जाए। सीधा सा है, जो टू के टेबल से कट जाए। तो हमने एग्जाम्पल तौर पर अगर हम लेते हैं, एग्जाम्पल द एचसीएफ ऑफ टू एंड फोर। अब टू एंड फोर जो है वो इवन नंबर है। ठीक है, अब इवन नंबर इनके टू के इवन नंबर में है, क्योंकि थ्री जो है वो ऑड नंबर है। थ्री क्या है? ऑड नंबर है। तो टू एंड फोर, तो इन दोनों का जो इवन नंबर हो गया वो हो गया इज टू। क्लियर है? इस तरह आपको ऑड नंबर करने हैं। कोई से भी दो नंबर ले लेने ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में आपका कोई से भी चलेगा। थ्री है, फाइव है, सेवन है, नाइन है, इलेवन है, कोई से भी टू नंबर ले लेंगे और उनका एचसीएफ वन ही आएगा। क्लियर है? तो इस तरह क्वेश्चन नंबर इसका सी पार्ट हो जाएगा, कर लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर थ्री। अब क्वेश्चन नंबर थ्री जो है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री,
क्वेश्चन नंबर थ्री में अब आपको इसमें भी सेम ऐसे ही करना है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, खाली आंसर ही लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री, तो क्वेश्चन नंबर थ्री का, अब क्वेश्चन नंबर थ्री जो है एस सी एफ ऑफ टू को प्राइम नंबर्स 4 and 15 एज फाउंड फॉलोइंग फैक्टराइजेशन। तो हमने 4 और 15 के फैक्टराइजेशन कर रखे हैं, तो 4 का 2 into 2 और 15 का 3 into 5, तो इज द नो कॉमन प्राइम नंबर, तो इसमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं लग रहा, तो सो एस सी एफ ओ 4 and 15 इज 0 इज द करेक्ट आंसर, इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ एस सी एफ। तो 4 और 15 का हमने नंबर लिया, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें दिए हुए हैं, 4 का 2 into 2 और 15 का 3 into 5, दोनों में कोई भी कॉमन प्राइम नंबर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए क्या इसका एस सी एफ 0 होगा, यस या नो, बस आपको आंसर लिखना है यस और नो में, तो वो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आप लिखेंगे नो, ठीक है, नो द आंसर इज नॉट करेक्ट, द आंसर इज नॉट करेक्ट, क्लियर है, नो नहीं, द आंसर इज नॉट करेक्ट, तो ये आंसर करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या है, तो द करेक्ट आंसर इज 1, क्योंकि जिसके कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होते उसका 1 होता है, जिसके प्राइम फैक्टर नहीं होते कॉमन तो उसका आंसर 1 होता है, क्लियर है। तो ये एक्सरसाइज 3.6 आपकी कंप्लीट हो गई है, इसमें 3 ही क्वेश्चन थे, नेक्स्ट एक्सरसाइज या चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा, थैंक यू।